अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। घटना हुई थी मुकदमा अपराध संख्या 203/18 अंडर सेक्शन 302, तो उस महिला को इन लोगों ने गला दबा के लटका दिया था। तो जब सूचना आई कि महिला ने फांसी लगा लिया है, वो मृतका का नाम नवीना था, तो हम लोग गए देखे तो ये वो फांसी लगाई है, लेकिन वो जच नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि फांसी है क्या है। तो इन लोगों ने मैनेज करने का प्रयास किया घर वालों ने कि साहब हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, ये वो तमाशा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पहले तो कराते हैं पोस्टमार्टम कराया गया इसका। तो कल इसका जो है पोस्टमार्टम आया, इसमें साफ साफ आया कि स्ट्रैंगुलेशन गला दबा के मारा गया। तो इनको फिर लाया गया, इनसे बात की गई, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनसे गलती हो गई, कुछ इनके संबंध नाजायज इधर उधर रहे होंगे, जिसका वो विरोध करती थी, तो उसी चक्कर में इन लोगों ने उसको हिरासत से ये घटना हुई। दोनों मुझे गिरफ्तार हो गए, एक मुझे उनकी माँ है, उसके बारे में लोग भी जाँच करेंगे क्या रोल है उसका, तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। हमारा दो मेन अभियुक्त जो है उसका पति है, उसके पिता हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और IPC की धारा 302 के तहत उनका चालान किया जा रहा है। फिर साक्षियों को संगठित करके उसमें आरोप पत्र पेश करके तो सजा दिलाने का काम करेंगे। केवल आरोप पत्र लगाने में विश्वास नहीं करते हैं, और क्वालिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो करेंगे प्लस उनको सजा दिलाएंगे। क्योंकि किसी एक महिला को घर में अकेले शराब के भरोसे सर्वस्व छोड़ के आई हुई है, तो घर में तो किसी को आप गला दबा के मार दीजिए, किसी का आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने अपराध किया है, लेकिन एक महाअपराध किया है, तो एक सामाजिक अपराध है, इसलिए इनका दोष ज़्यादा मैं समझता हूँ।